नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट लाइफ लर्निंग पर। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर कुछ अपडेट है, ठीक है। सीबीएसई के अधिकारी के द्वारा, दोस्तों सीबीएसई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अनुराग त्रिपाठी जो सचिव हैं सीबीएसई के, उनकी तरफ से यहाँ पर एक खबर निकल कर ये आ रही है कि 30% तो आपके जुलाई में पहले ही रिड्यूस हो चुके हैं। आपको ये बात पता होगा, ठीक है, लेकिन 20% दोस्तों सिलेबस दोबारा से रिड्यूस होंगे। इसकी खबर दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों ये जो खबर है इसको लेकर दोस्तों काफ़ी सारे ट्वीट भी आ चुके हैं और काफ़ी सारी खबर पे भी ये आ चुका है। तो टोटल आपके 50% दोस्तों सिलेबस रिड्यूस होगा बोर्ड एग्जाम 2021। अब दोस्तों एक सवाल है आप सभी का कि बोर्ड एग्जाम 2021 होगा कब। तो दोस्तों इसकी जो अभी जानकारी मिली है, इसके अनुसार जो खबर है मेरे पास, तो देखो आप, तो दोस्तों इसकी जो जानकारी आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन है, इसके अनुसार यहाँ पे ट्वीट जो लिखा है, इसमें लिखा गया है कि आपके जो बोर्ड परीक्षा 2021 के एग्जाम है दोस्तों मई में हो सकते हैं। तो आपके जो एग्जाम है बोर्ड परीक्षा 2021 दोस्तों मई में हो सकते हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों सितंबर से स्कूल खुलने की उम्मीद थी लेकिन अक्टूबर में भी स्कूल नहीं खुल पाए। अब भी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से नियमित नहीं हो पाई है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा को मानसिक तनाव नहीं हो इसलिए सिलेबस कम करने का विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों ये वाली लाइन पढ़ के देखो, ये वाली लाइन बोर्ड सूत्रों के अनुसार इस पर सहमति बन चुकी है। मतलब दोस्तों सहमति हो चुकी है कि कोरोना निर्णय को लेकर ये फैसला लिया जाएगा। जुलाई में दोस्तों 30% सिलेबस कम किया जा चुका है, ठीक है। जुलाई में आपका सिलेबस 30% कम हो चुका है, अब 20-25% तक सिलेबस कम किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट है कि आपके 50% का सिलेबस दोस्तों रिड्यूस होगा। और इन्हीं सब चीज़ों से दोस्तों आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर लिखना, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।